हेलो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी नहीं, ड्राइवर है। इसमें एक छोटा सा इशू आ गया है कि जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये जो पेट्रोल है ये ब्लिंक कर रहा है। और इसका कारण है कि मैंने पढ़ा था और देखा था कि अगर आप क्या कहते हैं गाड़ी स्टार्ट पर अगर आप पेट्रोल डलवा देते हो तो ये क्या कहते हैं इंडिकेटर सही से काम नहीं करता है और ये इस तरीके से एम्प्टी दिखाता रहता है। उसका जो सॉल्यूशन देखा है मैंने उसमें ये है। तो भाइयों, ये जो प्रॉब्लम थी इसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब देखिए, ये जो फ्यूल इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था अब ये ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जस्ट हमें क्या करना था कि बोनेट खोला और बैटरी के जो तार थे उनको निकाल दिया, जिससे क्या हुआ कि जो हमारी MID है ये रिसेट हो गई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी, 2 मिनट में हो गई थी, पर मैं चाय पीने चला गया था। ऐसे अगर आप टाइम देख रहे हो तो इसमें क्या हुआ था, क्लॉक रीसेट हो गई थी, वो मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया। तो ये किस वजह से हुआ है कि जो मैंने जो फ्यूल है वो फिल कराते समय अपनी गाड़ी ऑन रखी थी। तो भाइयों, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप फ्यूल भरवाएं तो अपनी गाड़ी को